सो वेलकम बैक टू हाउ टू मैप, दैट इज हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन टेक फ्राइडेज यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने क्या वाले हैं वो पहले देखते हैं। सो हियर इज आवर ऐप, साइन अप पेज और ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्डर और एक्सपेंस मैनेजर है, व्हाटएवर यू से। और यहाँ पे मैं यूजर नेम में डालता हूँ द, वो बॉक्स ग्रीन हो गया, सागर महाजा AJA। अभी जैसे ही मैं एन प्रेस करता हूँ वो बॉक्स हो गया रेड और सबमिट बटन हो गया डिसेबल। वापस दिखाता हूँ, अगर मैंने ये, इसका मतलब क्या, ये जो यूजर नेम है द सागर महाजन इज अनअवेलेबल फॉर अस। तो यूजर्स के टेबल के अंदर जो हमने डेटाबेस बनाया था वहाँ पे पहले से द सागर महाजन नाम की जो एंट्री है वो मौजूद है, मतलब वो यूजर नेम किसी ने ले रखा है, तो ऑफकोर्स इट इज़ नॉट अलाउड अस। अभी यहाँ पे अगर मैं सिर्फ आगे वन डालता हूँ तो वो बॉक्स हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि द सागर महाजन वन इज नाउ अ यूनिक यूजर नेम। और बाकी के जो फील्ड्स है वो भरने के बाद, सबमिट करने के बाद वो डेटाबेस में डेटा एंटर हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो में, वीडियो एक डिसेंट साइज का हो इसलिए सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस यूनिक यूजर नेम वाला थिंग। तो पिछली बार हमने अपना कार्यक्रम पिछले वीडियो में इधर तक ला के रखा था, हमने बूटस्ट्रैप का पूरा सेटअप कर लिया था और bootstrap.css फाइल, bootstrap की js फाइल और bootstrap की js के लिए जो डिपेंडेंसी है jQuery slim.js फाइल। अभी हमें अपने ऐप के साथ एक और इंपॉर्टेंट फाइल को लिंक करना है, वो है jQuery की फाइल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन jQuery slim एंड jQuery। सो jQuery को यूज करने के लिए jQuery की वेबसाइट के ऊपर जाके लेट्स डाउनलोड मतलब उसका सिर्फ सोर्स चाहिए हमें। सो डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड, ये वाला हमें चाहिए। ओ दिस इज नॉट यस अनकंप्रेस्ड डेवलपमेंट jQuery, दिस इज स्लिम अगेन, ये तो हमने पहले से ले रखी है। सो लेट्स सेव दिस फाइल टू हियर। सो jq.js, छोटा सा सिंपल सा मैं नाम देता हूँ इसको और वो हम यहाँ पे लिंक करेंगे। सो स्क्रिप्ट src jq.js बट .js/, एक बार देखते हैं कि वो आई है या नहीं हमारे js में। हियर इज योर jq.js फाइल। अभी पहली बात तो ये कि हमें एक यूज़र इंटरफेस बनाना है, फिर उसको जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे उसको उसके साथ इंटरेक्ट करना वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक अच्छा सा हेडर, जो इस ऐप में मैंने जो बनाया है वैसा चाहिए। तो देर इज़ अ वेरी सिंपल वे, जस्ट गो ऑन getbootstrap.com, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन नाम का आपको एक टैब दिखाई देगा। जस्ट क्लिक ऑन डॉक्यूमेंटेशन टैब और वहाँ पर यहाँ पे कंपोनेंट्स पे जाओ और सर्च में लिखो नैवबार। जो भी आपको कंपोनेंट सर्च करें यू कैन सर्च ओवर हियर। नैवबार के ऊपर मैंने क्लिक किया। अभी मुझे कौन सा नैवबार चाहिए, फिलहाल मुझे सिर्फ एक लोगो और एक टेक्स्ट वाला नैवबार चाहिए। तो ये जो कोड है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ और इस फाइल को अभी हम ओपन करेंगे अपने ब्राउजर के साथ। सो लोकल होस्ट स्लैश एक्सपेंस रिकॉर्डर यही है। तो यहाँ पे अभी इमेज नहीं आ रहा क्योंकि ये इमेज जो है वो अभी अपने लोकल डायरेक्टरी में कहीं पर भी सेव नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमें कैसा इमेज चाहिए, एक्सपेंस रिकॉर्डर इस वर्ड से रिलेटेड इमेज। सो अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट आइकॉन्स और इमेजेस, PNG इमेजेस, लोगो लाइक इमेजेस इज फ्लैट आइकॉन नाम का एक साइट है, वहाँ से आप ये आइकॉन्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं वर्ड डालता हूँ एक्सपेंस, ये रहा वो आइकॉन जो मैंने पहले से इस्तेमाल करके रखा है। सो इसको डाउनलोड करते हैं PNG 512 पिक्सल। लेट्स क्लिक ऑन फ्री डाउनलोड, ये हो गया डाउनलोड। लेट्स क्लिक ऑन शो इन फोल्डर, मैं इसको यहाँ से कट करके पेस्ट करता हूँ मेरे किधर गया, एक्सपेंस रिकॉर्डर ऐप IMG फोल्डर के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। expense.png नाम का ये फाइल बन गया। अभी इसको मुझे लिंक करना है, मतलब इसको मुझे इस आइकॉन के साथ रिप्लेस करना है ऑफकोर्स। सो .img/expense.png ये वाली फाइल है, इधर देखो IMG फोल्डर के अंदर वो फाइल अभी हमें दिखाई देगी। आगे वो फाइल और उस बूटस्ट्रैप टेक्स्ट को मैं रिप्लेस करता हूँ अपने एक्सपेंस रिकॉर्डर मैनेजर व्हाटएवर यू कॉल्ड इट एक्सपेंस रिकॉर्डर टेक्स्ट के साथ। अभी लेट्स ओपन आवर इंस्पेक्टर एलिमेंट। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो, जब आप इंस्पेक्टर ओपन करोगे बाय राइट क्लिक और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका इस तरीके से इंस्पेक्टर ओपन होगा या फिर इस तरीके से इंस्पेक्टर होगा। तो रिमेंबर आप जैसा चाहे उसका लेआउट रखें, मैं ये प्रेफर करता हूँ वाइल क्रिएटिंग अ मोबाइल यूजर इंटरफेस और इस टोगल डिवाइस टूलबार के ऊपर क्लिक करते आपको वो डिवाइस का मोबाइल डिवाइस का रिजोल्यूशन मिल जाएगा। यू कैन सिलेक्ट डिवाइस एंड यू कैन ऑल्सो एड योर ओन डिवाइस एज वेल। ओके,
अभी उसमें नहीं जाते। अभी यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हो कि ये जो मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा है वो बहुत बड़ा अच्छा दिख रहा है, और ये जो है वो अगर आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को अगर आप व्यू लाइक वेबसाइट या फिर वो जो भी वो ऑप्शन रहता है ना कि मैं एक मिनट आपको तुरंत वो बताता हूँ देख के, वो ऑप्शन का नाम रहता है किधर गया क्रोम, ओके यहाँ पे व्यू डेस्कटॉप साइट करके एक ऑप्शन रहता है, देखो इफ यू ओपन योर क्रोम ब्राउजर तो यहाँ पे अभी देखो ये अपनी टेक फ्राइडे की साइट ओपन हो गई नॉर्मल मोबाइल व्यू के अंदर, और अगर मैंने यहाँ पे ये दिख रहा है ये जो डेस्कटॉप वाला जो आपको दिखाई दे रहा है शायद उसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया डेस्कटॉप साइट के ऊपर तो वो इस तरीके से दिखती है, मतलब एकदम फालतू की दिखती है। सो उस ऑप्शन जैसा यहाँ पे हमें क्यों दिख रहा है, उसका रीज़न ये कि यहाँ पे HTML में अपना जो हेड है इसके अंदर हमें एक मेटा टैग ऐड करना पड़ता है, उस मेटा टैग को हम कहते हैं व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग, जो यहाँ पे आपको W3 स्कूल पे मिल जाएगा इफ़ यू सर्च व्यू पोर्ट मेटा टैग, यहाँ पे W3 स्कूल के ऊपर ये आपको मेटा टैग मिल गया। इसका जो मतलब है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल सिर्फ आपको प्रोजेक्ट बनाना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका मैं मतलब बहुत डीप में नहीं समझा रहा, उनके लिए हम स्पेशल वीडियोस बनाएंगे। ये अपने को फटाफट प्रोजेक्ट बनाना है तो सिर्फ इतना याद रखिए इनिशियल स्केल 1.0, और अगर मैं पेज अभी यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे एक अच्छा स्केल्ड होके स्केलअप होके वो मुझे दिखाई दिया यूज़र इंटरफेस। ओके लेट्स मूव अहेड, अभी यहाँ पर मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए मुझे एक फॉर्म जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन्स हो। सो पहले तो मैं एक लेता हूँ div.container, उसको कंटेनर क्लास देता हूँ, दीज आर सम शॉर्टकट्स कि div मतलब टैग डॉट क्लास नेम एंड टैग, तो ऑटोमेटिकली उसको क्लास अप्लाई हो जाता है। अभी उसके अंदर मैं लूंगा एक फॉर्म, बाय द वे कंटेनर इज अ क्लास ऑफ बूटस्ट्रैप, वो मेरा मन का क्लास है नहीं बूटस्ट्रैप बेसिकली एक CSS फाइल है जो पहले से बिल्ड करके रखी है, उसके अंदर जो क्लासेस है वो हम अच्छी तरीके से अगर यूज करें तो हम आसानी से एक वेबसाइट वेब पेज बना सकते हैं। सो फॉर्म टैग लिया मैंने, फॉर्म के अंदर मैं और एक div लेता हूँ, उसको देता हूँ फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर मैं लेता हूँ एक इनपुट टाइप, पहला ऑफकोर्स टेक्स्ट, और उसको मैं क्लास देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, और उसको एक प्लेस होल्डर दे देते हैं फुल नेम, मोबाइल साइड में रखता हूँ, हर बार मुझे वो दिख रहा है स्क्रीन ब्लिंक होने के बाद, फुल नेम आ गया टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे अभी यहाँ पे दूसरा सी दिस इज द हायरार्की HTML हायरार्की, यही आपको कॉपी करके जितने भी आपको आपके फॉर्म के अंदर जितने भी फील्ड्स लेने हैं उनके लिए सेम हायरार्की यूज करनी है। दूसरा हो गया अपना यूजर नेम, प्लेस होल्डर मतलब ये जो अंदर दिखता है वो प्लेस होल्डर होता है, और तीसरा हो गया पासवर्ड, एंड फाइनली अ बटन। रिमेंबर बटन को हम फॉर्म कंट्रोल क्लास नहीं देंगे, बटन को हम क्लास देंगे BTN, जिससे वो इस तरीके से बन जाएगा, उप्स किधर गया, मैंने अंदर टेक्स्ट ही नहीं डाला, सबमिट ऐसा बन जाएगा, उसको कुछ मतलब अच्छा खासा CSS कलर वगैरह नहीं रहेगा। और दूसरा मैं उसको एक और क्लास देता हूँ BTN स्पेस BTN प्राइमरी, BTN प्राइमरी मतलब जो भी अपना CSS फाइल के अंदर प्राइमरी कलर है वो उसको अप्लाई हो जाता है। इफ़ यू राइट BTN डेंजर, जनरली डिलीट बटन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, या फिर BTN सक्सेस वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी बहुत आसान तरीके से, और बहुत ही वो क्या बोलते हैं आपको इजी वे से वो आपको कोड वगैरह के साथ समझाते हैं इसका जो बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन है वो। सो सबमिट, मैं देता हूँ प्राइमरी। अभी उस बटन को मुझे फुल विड्थ करना है तो उसके लिए क्लास है BTN ब्लॉक, ये बन गया फुल साइज। ऐसे सिर्फ क्लासेस देके हम अपना पूरा वेब पेज का लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं, दिस इज द क्या बोल सकते हो यूज एडवांटेज ऑफ यूजिंग बूटस्ट्रैप CSS फ्रेमवर्क। अभी यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ऊपर चिपका हुआ है इस हेडर को, तो जनरली आप क्या करोगे, पैडिंग दोगे CSS दोगे, नहीं यहाँ पे सिंपल मैं क्लास देता हूँ, ये जो कंटेनर वाला जो DIV है ना उसको मैं क्लास देता हूँ, P स्टैंड्स फॉर पैडिंग, T स्टैंड्स फॉर टॉप, डैश यू कैन सिलेक्ट 1 to 5, मैंने अगर 1 दिया तो थोड़ा सा पैडिंग आ जाता है, देखो थोड़ा सा हिल गया, और अगर मैंने 5 दिया तो बहुत ज़्यादा पैडिंग आता है, इतना बड़ा पैडिंग आ गया। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पैडिंग देना है तो फिर आप कस्टमाइज CSS लिख सकते हो, जो बेसिक आपकी नीड्स है वो बूटस्ट्रैप पूरी करता है, तो ना 1 ना 5 मैं बोलता हूँ 2-3, आई गेस दिस इज सफिशियंट पैडिंग, ये अभी बहुत अच्छा डिस्टेंस मेंटेन किया। और
फॉर्म्स के पहले उस फॉर्म को एक टाइटल देते हैं यूजिंग H1 टैग साइन अप फॉर्म। ओके, ये बन गया अपना साइन अप फॉर्म। अभी हमें करना यह है कि पहली चीज ये नहीं है कि सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने का डेटाबेस में जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप है जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। पहले लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस यूजर नेम वाला फील्ड। अभी यूजर नेम के अंदर हमें अल्टीमेट अपना गोल क्या है कि यूजर नेम के अंदर जो भी वैल्यू क्रिएट होगी व्हेन आई प्रेस अ न्यू की ऑन माय कीबोर्ड, तो वो वैल्यू हर बार हर नई की प्रेस करने के बाद उठा के जाएगी सर्वर साइड की तरफ। वहां पे वो चेक होगी कि ये जो स्ट्रिंग है वो पहले से अपने डेटाबेस में यूजर नेम के कॉलम में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो वो रिस्पॉन्स देगी कि यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, और अगर वो डेटाबेस में मौजूद नहीं है तो वो बोलेगी यूजर नेम इज अवेलेबल, ये पहले किसी ने ले नहीं रखा। तो इन ये सभी पूरी की पूरी साइकिल में पहला टास्क हमारा ये है कि एक जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू हर बार तैयार होगी ऑन की अप या फिर ऑन की प्रेस इवेंट के ऊपर, वो वैल्यू वहां से उठा के हमें मिलनी चाहिए एक वेरिएबल में। जब तक हमें वो वैल्यू मिलती नहीं हम अपने सर्वर की तरफ भेज नहीं सकते। सो पहला तो टास्क ये हुआ। अभी उसके लिए मैं इस यूजर नेम को देता हूँ एक आईडी और उसको यूजर नेम ऐसा ही आईडी देता हूँ, तो ध्यान रखने में हमें आसानी होगी। अभी यहाँ पे jQuery फाइल जहाँ पे भी हमने इंक्लूड की है उसके बाद एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर हम लिखेंगे अपना पूरा jQuery का कोड। और ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है किधर गया यूजर नेम वाला, उसको मैं देता हूँ ऑन। ध्यान से देखिए, ऑन की अप इज अ इवेंट, मतलब जब मैं की प्रेस करके ऑन की अप मतलब प्रेस होने की जो क्रिया है उस की वो पूरी होगी, प्रेस किया मतलब डाउन होगी और मैंने हाथ हटाया मतलब वो की अप हो गई, मतलब पूरी तरीके से वो की प्रेस हो गई। तो ऑन की अप मुझे फंक्शन कॉल करना है जो मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो उस फंक्शन का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे सपोज चेक यू नेम चेक यूजर नेम, और उसके अंदर उस फंक्शन को जो वैल्यू पास होगी वो होगी यही दिस, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसी की वैल्यू हम उसको पास कर देंगे। सो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस डॉट वैल्यू, और ये चूंकि ये हमने इस नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल करके रखा है उस नाम का फंक्शन हमें अभी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सो फंक्शन चेक यू नेम, अभी वहां से जो भी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से पास होगी वो यहाँ पे हमें मिलेगी यहाँ पे पी यू नेम नाम के एक वेरिएबल में, मैं उसको फेच करता हूँ। पी यू नेम स्टैंड फॉर पोटेंशियल यूजर नेम, ये हो सकता है नहीं भी हो सकता। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग पी यू नेम, मतलब जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं टाइप करूंगा वो वैसा का वैसा कंसोल के ऊपर टाइप होगा। ये पहला टास्क हो गया हमारा। लेट्स रिफ्रेश द पेज, लेट्स गो ऑन कंसोल टैब ओवर हियर। मैं थोड़ा सा कंट्रोल सी, यहाँ पे देखो ये कंसोल पूरा भरा पड़ा है एरर्स और वार्निंग्स के साथ, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ टर्मिनल या फिर कंसोल क्लियर हो गया। अभी मैं इस यूजर नेम फील्ड के अंदर जो भी की प्रेस करूंगा वो सब यहाँ पे भी टाइप होना चाहिए। सो लेट्स एस, आ गया एस यहाँ पे ए, चाहे तो थोड़ा सा मैं यहाँ इसको जूम इन कर देता हूँ। एस ए जी ए आर, जो स्ट्रिंग यहाँ पे मुझे मिल रही है वही स्ट्रिंग मुझे अभी कंसोल के ऊपर प्रिंट होके मिल रही है, दैट इज आवर फर्स्ट टास्क। अभी चूंकि एक वेरिएबल के अंदर मुझे वो स्ट्रिंग मिल रही है, अभी मेरा काम क्या है सिर्फ इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू मिल रही है वो मुझे उस एपीआई की तरफ भेजना है। अभी वो एपीआई कौन सा है, उसका यूआरएल क्या है, लेट्स ओपन पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल। इधर गया पोस्टमैन, पोस्टमैन के अंदर हमने वो टेस्ट किया था पहले। ओके, सो वेयर इज दैट, एक काम करते हैं सिंपल अपना जो एपीआई वाला जो फोल्डर है उसमें तो होगा ही कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर, और उसके अंदर क्या एक्सपेक्टेड है चेक यूजर नेम नाम का। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ नए टैब के अंदर, किधर गया, ये चेक यूजर नेम मिल गया आपने को, ये जिसके ऊपर क्लिक किया वही निकला, तो ये यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ चेक यूजर नेम, और वो यूआरएल सी रिमेंबर ये यूआरएल को अगर मैं हिट करता हूँ तो मुझे बताता है यूजर नेम इज अवेलेबल और नॉट। अभी यहाँ पे मैंने पी यू नेम यूआरएल एनकोडेड जो स्ट्रिंग होती है उसमें पैरामीटर डाला पी यू नेम इज इक्वल टू द सागर महाजन वन, अगर मैं वन हटा देता हूँ और वापस सेंड करता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा यूजर नेम नॉट अवेलेबल, क्योंकि 10 आगर मार्जिन स्ट्रिंग पहले से डेटाबेस के अंदर मौजूद है। तो ये यूआरएल हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे अभी हम लिखते हैं एजैक्स या फिर असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल या फिर एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजने का कोड jQuery में, और उसका सिंटैक्स है $ajax इज अ फंक्शन विच टेक्स वन पैरामीटर जेसन, अ जेसन डॉक्यूमेंट।
वो जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ प्री डिफाइंड की वैल्यूज है। तो पहली की है यूआरएल, ऑफ कोर्स जिस एपीआई को हमें रिक्वेस्ट भेजना है वो यूआरएल, ये मैंने डाल दिया यूआरएल। अभी इसके अंदर पी यू नेम ये जो वेरिएबल है उसके साथ मुझे जो वैल्यू एसोसिएट करनी है वो तो यहाँ पे मैं हार्ड कोड नहीं कर सकता, तो इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो इज इक्वल टू के आगे यहाँ पे मुझे मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे हम सिंपल यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर प्लस और वेरिएबल का नाम, ये बन गया मेरा पहला की वैल्यू, दिस इज माय की एंड दिस होल इज अ वैल्यू कॉमा, दूसरी की टाइप, टाइप मतलब रिक्वेस्ट टाइप, गेट या पोस्ट या पुट व्हाटएवर, तो है हमारा गेट। तीसरा डेटा, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो डेटा नाम का एक की यहाँ पे आता है, लेकिन चूंकि ये गेट रिक्वेस्ट है तो डेटा की नहीं आएगी यहाँ पे। सो फाइनली सक्सेस, मतलब अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ गया तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है funcity.ion, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर इस URL को हिट करने के बाद अगर मुझे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, जो भी वो शायद एरर मतलब मैसेज जो होगा वो एरर मैसेज हो सकता है कि यूजर नेम नॉट अवेलेबल, लेकिन रिक्वेस्ट जाके रिस्पॉन्स कुछ तो आया तो ये सक्सेस कॉल बैक फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। और जो भी रिस्पॉन्स सर्वर साइड की तरफ से आया है वो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे इस फंक्शन के पैरामीटर में मुझे मिलेगा, जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं res stands for response। और सिंपली लेट्स कंसोल लॉग रिस्पॉन्स। इन शॉर्ट अभी हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू होगी वो वैल्यू लेके ये जाएगा और लाएगा और सिर्फ कंसोल लॉग करके हमें दिखाएगा देगा कि वेदर यूजर नेम इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। सो लेट्स सेव, लेट्स ओपन आवर ब्राउजर, लेट्स रिफ्रेश द पेज, ये मैं पहले क्लियर करके लेता हूँ टर्मिनल। और यहाँ पे देखो द, उप्स क्या गया, द सागर महाजन इज नॉट डिफाइंड, नो प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे जब मैं ये वेरिएबल बाइंड कर रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम है, ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ वेरिएबल, पी यू नेम इज अ वेरिएबल, मैंने कहाँ से ये उठाया क्या मालूम, शायद वो यहाँ से कॉपी नहीं हुआ, जो मैंने यहाँ पे द सागर महाजन था वो कट किया और वही यहाँ पे शायद पेस्ट किया। ओके लेट्स अगेन रिफ्रेश द पेज, क्लियर टर्मिनल, टी एच ई क्या गया, यूजर नेम अवेलेबल, टी एच ई यूजर नेम अवेलेबल है क्योंकि वो किसी ने लिया ही नहीं है डेटाबेस में, टी एच ई नाम की कोई एंट्री नहीं है, सागर एम ए एच ए जे ए ये यूजर नेम अवेलेबल है। तो 14 बार यूजर नेम अवेलेबल ऐसा प्रिंट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 14 कैरेक्टर्स टोटली अभी तक टाइप किए। अभी जैसे ही मैं एन प्रेस करता हूँ द सागर महा जे ए एन, क्या गया, यूजर नेम नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये यूजर नेम पहले से टेकन है। अभी मुझे दो तरीके के रिस्पॉन्सेस यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्स वेरिएबल की वैल्यू आइदर यूजर नेम अवेलेबल ये स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर रिस्पॉन्स ही वेरिएबल के अंदर की वैल्यू यूजर नेम नॉट अवेलेबल ये स्ट्रिंग हो सकती है। तो यहां पे मैं सिंपल एक लगाता हूं, इफ इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू यूजर नेम, उप्स कहा गया वो, हाँ यूजर नेम अवेलेबल, अगर रिस्पॉन्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी तो कुछ तो होना चाहिए और एल्स कुछ अलग चीज होनी चाहिए। ये मिल गया अभी अपने को स्कोप, अभी हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर क्या कोड लिखने का और इसके अंदर क्या कोड लिखने का, उसके हिसाब से इसको हम एनिमेट वगैरह कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना वगैरह वगैरह। अभी चलो यहाँ पे फिलहाल मैं इतना ही करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग अवेलेबल इतना ही प्रिंट कर देते हैं हम, और कंसोल डॉट लॉग नॉट अवेलेबल। ओके सो अवेलेबल नॉट अवेलेबल इतना ही अभी प्रिंट हो रहा है अभी, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही वो अवेलेबल अवेलेबिलिटी दिखाई देगा तो इसी टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए। मतलब पहले बैकग्राउंड कलर कैसे ग्रीन करने का वो देखते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स को, यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स, अगर मैं एक और क्लास दे दूँ bg-success तो बैकग्राउंड कलर हो गया इसका ग्रीन, और वही हटा के अगर मैं bg-success की जगह दूंगा मैं bg-danger तो वही बैकग्राउंड कलर हो गया रेड। मतलब ये जो इफ है ना, ये इफ कंडीशन, ये अगर ट्रू हो जाता है, यूजर नेम अवेलेबल दिखता है तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन। मतलब उसको कौन सा क्लास अप्लाई होना चाहिए, बीजी सक्सेस। और अगर ये एल्स कंडी, मतलब इफ में नहीं जाता और एल्स में चला जाता है तो उसी टेक्स्ट बॉक्स को कौन सा क्लास ऐड होना चाहिए, बीजी डेंजर। तो क्लास ऐड और क्लास रिमूव करने के लिए जेक्वेरी में एक सिंपल सिंटेक्स अवेलेबल है, वो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से वर्क करता है, डॉलर ब्रैकेट्स सिलेक्टर हैश यूनेम, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ उसका आईडी यूनेम ही है ना,
इट्स नॉट यू नेम, इट्स यूजर नेम। हैश, अगर आपको एक आईडी यूज करना है तो आप पहले हैश लगा दें। सो हैश यूजर नेम डॉट, ओके डॉट एड क्लास, और सेम फंक्शन है अपने पास एड, और दूसरा उसका अपोजिट क्या होगा, ऑफकोर्स रिमूव क्लास। अभी कौन सा क्लास ऐड होना चाहिए और कौन सा क्लास अगर पहले से ऐड हुआ है तो रिमूव होना चाहिए, तो ऑफकोर्स ऐड होना चाहिए बीजी सक्सेस और रिमूव होना चाहिए बीजी डेंजर। सिमिलरली यही दो लाइनें मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूं एल्स के अंदर। यहां पे अगर एल्स में चला जाए तो ऐड कौन सा होना चाहिए, बीजी डेंजर ऐड होना चाहिए, और रिमूव कौन सा होना चाहिए, बीजी सक्सेस रिमूव होना चाहिए। देखते हैं अभी टेस्ट करके होता है क्या। यहाँ पे इसको तो डिफॉल्ट यही ऐड हो गया रिफ्रेश करने के बाद। ओके एक काम करते हैं हम, फिलहाल ऑफकोर्स वो ब्लैंक है तो वो शायद अभी क्या प्रॉब्लम है, ये वर्क करेगा लेकिन हमें क्या चाहिए रिफ्रेश करने के बाद उसको बाय डिफॉल्ट जो रेड जो मतलब क्लास उसको अप्लाई हो रहा है वो निकालना है। इफ़ यू रिमेंबर हमने ऊपर देखो यहाँ पे दे के रखा है बीजी डेंजर, तो वो मैं हटा देता हूँ। हो गया वाइट, क्लिक करता हूँ द, ऑफकोर्स अवेलेबल है सागर, अवेलेबल है जे ए एन, रेड कलर आ गया। ये थी इसके अंदर की ट्रिक। अब एक लास्ट चीज बची है, जैसे ही यहाँ पे रेड होता है सबमिट बटन डिसेबल होना चाहिए और जैसे ही यहाँ पे ग्रीन होता है सबमिट बटन इनेबल होना चाहिए, तो हमारी कंडीशन तो रेडी है। जैसे हमने यहाँ पे ऐड क्लास रिमूव क्लास ऐड क्लास रिमूव क्लास लिखा, वैसे ही बटन को इनेबल या फिर डिसेबल करने के लिए भी कुछ सिंटेक्स होगा, वो सिर्फ हमें इस कंडीशन के अंदर सेट करना है। तो मैन्युअली बटन को कैसे डिसेबल करते हैं, सो उसको एक एट्रीब्यूट देते हैं हम डिसेबल्ड, तो वो डिसेबल हो जाता है। हमें क्या करना है, सिर्फ सेट एट्रीब्यूट करना है इसको। किधर गया, तो अगर यूजर नेम अवेलेबल रहेगा तो ऑफकोर्स वो क्या होगा डॉलर, अभी बटन को भी एक आईडी देना पड़ेगा अपने को पहले, सो आईडी इज इक्वल टू सबमिट बटन, ऐसा मैं पूरा का पूरा उसको आईडी देता हूँ एक, यू कैन सेट एनी आईडिया बाय द वे, मैं सिर्फ मीनिंगफुल नाम ले रहा हूँ बाकी कुछ नहीं। डॉट ए टी टी आर, ए टी टी आर स्टैंड फॉर एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट क्या मुझे सेट करना है डिसेबल्ड, और उसका वैल्यू क्या सेट करना है डिसेबल्ड। लेट्स रिफ्रेश, हो गया डिसेबल हो गया, लेकिन यहां पे रेड होने के बाद वो क्या होना चाहिए, वापस इनेबल होना चाहिए। तो उसके लिए एट्रीब्यूट डिसेबल और उसका वैल्यू इनेबल, ये नहीं करने का, उसके लिए एक सिंटैक्स है बटन का सिलेक्टर डॉट वो जो फंक्शन है उसका नाम है आई गेस रिमूव एट्रीब्यूट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स ट्राई दिस आउट डिसेबल्ड, और अगर ये नहीं वर्क करता तो हमें सर्च करके देखना पड़ेगा। हो गया सो एट्रीब्यूट एड करने के लिए जो फंक्शन है वो है ए टी टी आर, एट्रीब्यूट का नाम उसकी वैल्यू, और एट्रीब्यूट रिमूव करने के लिए जो फंक्शन है वो है रिमूव कैपिटल ए डी टी आर। ओके सो इधर तक अभी अपना ये काम हो गया। अभी फाइनल आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे कि ये वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे चलो ये तो हो रहा है, मतलब सबमिट बटन तभी इनेबल रहता है जब यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रिंग हो जो यूजर नेम पहले से टेकन नहीं है, और अगर पहले से टेकन यूजर नेम रहेगा तो वो बटन डिसेबल हो जाता है और वो रेड मार्क दिखाता है कि भाई ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है। बाकी के दो फील्ड्स के अंदर वैल्यू भरने के बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट भेज के क्या करना है वो डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है। इंसर्शन का कोड हमारा रेडी है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट हमें अभी लिखना बाकी है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट, अभी बात रोज रोज नहीं कहता मैं, अब कर ही दोगे सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।